नमस्कार तो मैं मनोज कुमार शर्मा जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री को भिगू भिगू पटकते हैं राहुल गांधी और वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हवा खराब रहती है राहुल गांधी के हर उस सवाल से हर उस ट्वीट से जो वो ट्वीट करते हैं अपनी बॉल से और उसके बाद पूरे के पूरे लाल पीले हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव हैं उन्होंने इसकी जानकारी दी लोगों को पता चला आशंकाएँ भी हुई लेकिन आशंकाएं कितनी निर्मूल होंगी कितनी सही होंगी ये तो आने वाला समय बताएगा लेकिन इस बीच एक ऐसे नेता का जिक्र मैं करना चाहूँगा जो नेता चालाकियों से भरा हुआ लौवण जैसा है और जिसका बेटा बल्लाधारी है जो इंदौर की कानून व्यवस्था को भी बिगाड़ देता है जो रेमडेसिविर के इंजेक्शन सोलह सौ या छब्बीस सौ आरोप लगाए जाते हैं संजय शुक्ला के द्वारा मगाए गए और कहाँ गायब हो गई ये भी पता नहीं चलता इससे पहले वीडियो आपने भंडारण का देख लिया होगा राहुल गांधी बार बार ट्वीट करते रहते हैं और सवाल पूछते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि साहब ऐसा क्यों हुआ ऐसा तब था तो तब क्यों नहीं हुआ था और अब है तो अब क्यों नहीं है तब शायद बल बला जाते हैं जल जला जाते हैं राहुल गांधी ने आज भी ट्वीट किया है कोविड स्ट्रेटजी के बारे में जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने जो प्लान बनाया है देने का मतलब वैक्सीन 18 से प्लस का वो नोटबंदी की तरह साबित होगा शायद राहुल गांधी की इस बात को समझ करके कई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने खर्चे पर 18 प्लस युवाओं को वैक्सीन देने का फैसला कर लिया है जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित प्रदेश भी शामिल हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्र के लिए उसकी कीमत दो सौ रखी थी राज्य के लिए चार प्राइवेट छह सौ पता नहीं क्या क्या व्यापारी मित्रों का फायदा करना होता है तो उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी करते हैं लेकिन अब जिस बेशर्मी और जिस कुकर्म की बात मैं करना चाहूंगा मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा दोस्तों सवाल यह करना चाहूंगा सवाल नंबर वन कि यदि किसी विरोधी को या पड़ोसी को कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो क्या आप उसका मजाक उड़ाएंगे या उसकी सहायता करेंगे कोई आपका विपक्षी आपका दुश्मन कोरोना पॉजिटिव हो जाए तब क्या आप उसकी मदद करेंगे या उसको गालियां देंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे शायद नहीं हिंदुस्तान की संस्कृति और सनातन संस्कृति इस बात की इजाज़त नहीं देती इसलिए भी नहीं देती क्योंकि रगों में दुश्मनी और नफ़रत सनातन हिंदू धर्मों में आई नहीं है उन्होंने किसी को हत्या करना किसी माँ बाप ने अपने बच्चों को हत्या करना या हिंसा करना नहीं सिखाया है बहुत सी 90 परसेंट फैमिलियाँ हिंदुस्तान में ऐसी हैं जिनके माँ बाप बोलते हैं बेटे रोजगार लो और हिंसा से दूर रहो हिंसा करना गलत बात है भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग उस हिंसा को हिंदू मुस्लिम में बदल करके अपने रंग और अपनी राजनीति का एक रंग खेलना चाहते हैं जिसका रंग केसरिया है लेकिन केसरिया रंग के बीच एक यवेश्वरी में भरा बयान कैलाश विजय बर्गीय का राहुल गांधी के खिलाफ आता है और जो आता है वो वाकई है हैरान कर देने वाला होता है एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के महासचिव से जिससे जिससे संवेदनशीलता की अपेक्षा की जाती है हालांकि जब राहुल गांधी को कोरोना हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें गेट वेल सून की शुभकामनाएं दी अपने ट्विटर पर लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी क्या बयान था क्या नहीं था यह सुन लीजिए हमने से बंगाल में कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस है ही नहीं वह सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कांग्रेस है मालदा में और मुर्शिदाबाद उसके अलावा कांग्रेस है ही नहीं दोनों डिस्ट्रिक्ट में राहुल गांधी सभा करके आ गए वहाँ लोग ही नहीं आए उनका काम खत्म हो गया राहुल गांधी ने बोला मैं बंगाल में सभा नहीं करूंगा तो भैया तुम्हारे कार्यक्रम थे क्या पहले ये तो बताओ कि तुम्हारा ये शेड्यूल था और मैंने कैंसिल किया कोई शेड्यूल ही नहीं था दो जिले में कांग्रेस ने वहाँ दो जिलों में उन्होंने सभा कर दी उसके बाद उनके पास कोई काम ही नहीं था, था पोड़ पोड़ हो है जी झूठ बोलने के बाद इससे होता है बहुत बहुत धन्यवाद ये बयान सुन करके आपको लग रहा होगा कि ये आदमी बाकी मेंटली ठीक है या कुछ गड़बड़ है इसके सांचे में या एडिक्शन की वजह से कुछ दिमागी गड़बड़ है क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे नेता असंवेदनशील हो सल हो जाएं तो बाकी में मुश्किल हो जाती है समझना मुश्किल हो जाता है कि, कि किस तरह का बयान ये दे रहे हैं और किस तरह का पीढ़ियों को संकेत दे रहे हैं कल को अगर आप सत्ता में नहीं होंगे तो आपके बारे में शायद आने वाली पीढ़ियाँ इस तरह के बयान देंगी अगर आप किसी महामारी में फंसे तो लेकिन चलिए कैलाश विजय बर्गी तो कैलाश विजय बर्गी हैं उनके बच उनके लड़के भी बल्लावीर हैं इंदौर के ये किसी से छुपा नहीं है लेकिन इस तरह का बेशर्मी भरा अभियान बाकी में भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्मनाक है क्योंकि शर्मनाक तो शर्मनाक है ऐसा ही एक बयान हर्षवर्धन ने भी दे दिया था हर्षवर्धन की एक तस्वीर वायरल होने लगी जिसमें वो मटर छील लेते एक साधारण से मकान में बैठ कर के लेकिन अब तो शायद फ्लैट व्लैट और बड़े बड़े बंगले बन गए होंगे उनके पता नहीं कितना पैसा कमा लिया होगा क्योंकि कमीशनबाजी का दौर यहाँ भी चालू है आर करना गुनाह है और सवाल पूछना तो उससे भी बड़ा गुनाह है देशद्रोह है या गद्दारी है क्योंकि पाकिस्तान भेज जाएंगे आप क्योंकि पाकिस्तान की वीजें बांटने में आजकल सरकार ज़्यादा व्यस्त है उसके समर्थक ज़्यादा व्यस्त हैं लेकिन कब तक बांटेंगे वीजा पाकिस्तान का हम भी देखेंगे हम भी यहीं हैं लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की भाषा राहुल गांधी के लिए असभ्य थी और साथ में एक तरह से ये भी दर्शा रही थी कि राहुल गांधी के जो ट्वीट हैं और उनके सवाल हैं वो बाकी में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं राहुल गांधी ने एक लेटर मीडिया स्टेटमेंट का जारी किया जिसमें बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को चार सौ का मिलेगा टीका प्राइवेट हॉस्पिटल्स को छः का मिलेगा और अमेरिकन वैक्सीन जो है 1500 की मिलेगी रशियन वैक्सीन 750 की मिलेगी चाइनीज़ वैक्सीन 750 की मिलेगी मतलब व्यापार का पूरा मौका दे दिया गया सौ रुपये से ज़्यादा की कोई वैक्सीन है नहीं लेकिन आपदा में अवसर ढूंढना प्रधानमंत्री मोदी जी की खासियत है उनके लोगों की भी खासियत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जिस तरह से रेमडिसिविर इंजेक्शनों की कालाबाजारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही की जा रही है तब इसमें कहने को बचा क्या जबकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायकों को वेंटिलेटर सांसद निधि विधायक निधि से लोगों की हेल्प करनी चाहिए लेकिन आप गुजरात में हाल देख लीजिए क्या हो रहा है लगातार ढांचे जल रही हैं कोई देखने वाला नहीं और एक तरफ से ये लोग राहुल गांधी के मजाक उड़ाते हैं अब भी जबकि पता है कि राहुल गांधी हमेशा से सही थे दोस्तों नमस्कार इसी के साथ वीडियो का अंत करूंगा अच्छा है या बुरा ये फैसला आप करना और शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा कमी हो तो उस पर भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों नमस्कार जय हिंद